सबसे पहले मेरे पास है आइडियाज़ का कुर्ता, ठीक है, ये आप देख लें। मैं आपको ज़रा पास करके दिखा देती हूँ। इस तरह का ऊपर इसके डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का इसके ऊपर डिज़ाइन है। और जो इसके बाजू हैं वो इस तरह के हैं, डार्क ब्लू कलर से इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है, ये देखें इस तरह से। और जो इसके बाजू के एंड है जहाँ पे, वहाँ पे इस तरह की फ्रिल लगी हुई है, ठीक है, दोनों बाजू सेम है। और जो इसका घेरा है वो इस किस्म का है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ये है, ये देखें जो पट्टी यहाँ पे लगी हुई है कुर्ते के, वही कुर्ते के कॉर्नर्स पे इतनी सी जगह पे लगा हुआ है। और ये इस तरह का कुर्ता है। इस कुर्ते को मैं टाइट्स या जीन्स के साथ पहनती हूँ। आप अगर ट्राउज़र के साथ पहनना चाहें तो आप ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं। और अगर आपको सेम ऐसा कुर्ता नहीं भी मिलता तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इस तरह का जो कुर्ता है वो सिलवा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ये कुर्ता है सफ़ायर का, ठीक है, और जी सिंपल सा है और काफ़ी डिसेंट कुर्ता है, ठीक है। इस तरह का इसका प्रिंट है, ये देखें इस तरह का ये पूरा इसका प्रिंट है नीचे तक, और नीचे इसके यहाँ पे इस तरह से ये लगी हुई है पट्टी। और जो इसके बाजू हैं वो बिल्कुल सिंपल से इसके बाजू हैं, जो इसके घेरे में पट्टी लगी हुई थी वही इसके यहाँ पे बाजू के आगे लगे हुए हैं। और ये मैंने रेडीमेड लिया था, जो पहले वाला था वो भी मैंने रेडीमेड ही लिया था, ठीक है। इस तरह का सिंपल से कुर्ता है। और जो इसकी साइड्स हैं ना, अच्छा जी, जो इसकी साइड्स हैं वो इस तरह से इसकी डोरी लगी हुई थी, ठीक है, ये देखें इस तरह की, ये दूसरी की जगह ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कुर्ता लूज़ है तो आप टाइट भी कर सकते हो और लूज़ भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। दोनों साइड्स पे इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको आपकी बैग दिखा देती हूँ। अच्छा जी, बैग भी बिल्कुल सिंपल है। इस तरह का बैग पे डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है दोनों साइड्स पे, ठीक है। और जी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, और इसके पीछे सिंपल इस तरह का बटन है और यहाँ से कट है, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन भी अगर आप सिलवाना चाहो तो सिलवा सकते हो। आप अपने टेलर को कह सकते, मेरी वीडियो दिखा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो दिखा के, ठीक है, तो आप उसको कहोगे कि ऐसा कुर्ता सी दे तो शायद वो सी लें। अच्छा जी, जो ये नेक्स्ट कुर्ता है ये मैंने लिया था लिबर्टी मार्केट से, ठीक है। इस तरह का ये कुर्ता है पूरा, और इसका जो गला है वो ऐसे गोल सा इसका गला है, सेंटर में ये वी सा कट है, और ये मैंने रेडीमेड ही लिया था। और जी यहाँ पे इस तरह से इसके बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स हैं, और इसके इस तरह से ये लीव्स वगैरह बने हुए हैं। और इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट है, और इसके जो बाजू हैं जी वो है इस तरह के। अच्छा जी, इसके जो बाजू हैं वो इस तरह के हैं, और इसके बाजू में भी साइड्स पे इस तरह के मोती लगे हुए हैं वाइट कलर के, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इस तरह के मोती वगैरह लगे हुए हैं। और जी ये थोड़ा सा जो आगे से कुर्ता है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, आगे से गोल है इसका घेरा और पीछे से चौड़ा है इसका गोला गला, नहीं घेरा, सॉरी, तो आगे से थोड़ा छोटा है पीछे से लंबा है, और आगे से गोल है और पीछे से चौड़ा है, ठीक है। और जो इसकी साइड है ना कुर्ते की वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी साइड इस तरह से इसकी ना अलग से एक पट्टी लगी हुई है सिर्फ इधर इधर तक, और नीचे ये खुला है, ठीक है, जहाँ से ये देखें इतना इतना इसकी यहाँ पे
डिफरेंट से एक पट्टी लगी हुई है और नीचे से खुला है और दूसरी साइड से भी ऐसा ही है। अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। अच्छा जी, बैक से ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता है, ठीक है। और ये देखें, पीछे से जो इसका घेरा है वो थोड़ा चौड़ा घेरा है, आगे से गोल है और पीछे से चौरस है, ठीक है। इस तरह का कुर्ता भी आप सिलवा सकते हो, आगे से छोटा पीछे से लंबा, आप अपनी लेंथ के हिसाब से देख लीजिएगा कि लेंथ आपने जो आगे का शॉर्ट रखवाओगे वो आप देख लीजिएगा अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप रखवाओ, और जो पीछे वाला है वो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा लंबा बनाओ, तो फिर आपका जो कुर्ता है वो इस तरह से बन जाएगा। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट कुर्ता है ये भी मैंने लिबर्टी से लिया था और ये भी मैंने स्टिच लिया था, ठीक है, रेडीमेड कुर्ता था। ये इसकी पूरी लुक है, ठीक है। इसका जो गला है वो बिल्कुल सिंपल सा गला है, इस तरह से इसके यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे एक मोती लगा हुआ है। और जी, इसका जो प्रिंट है वो फ्लावर्स टाइप का है और इसकी बाजू ग्रीन कलर की हैं और इस तरह से इसकी बाजू है। और जी, जो इसका बाजू के यहाँ पे थोड़े से मोती लगे हुए हैं और इस तरह से ये डिज़ाइन है इसका, ये देखें। अगर आप चाहें तो ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं, देखें पूरा सेम दूसरा बाजू भी है। और जी, अब इसके नीचे घेरे की बात की जाए तो सेम जैसे बाजुओं पे इसके मोती लगवा के मोती हैं, वैसे ही नीचे ही इसके मोती हैं और ये वैसे ही सेम पट्टी नीचे भी लगी हुई है, ये देखें, आगे भी और पीछे नहीं है, सिर्फ आगे। हाँ जी, सिर्फ आगे है, पीछे नहीं है, और आगे ही अच्छा लगता है। आप भी अगर ऐसा सिलवाना चाहें तो आगे ही रखें। तो इसकी अब मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। अच्छा जी, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है, वैसे ही लीव्स वगैरह बने हुए हैं, नीचे कोई मोती वगैरह नहीं लगे। और जी, यहाँ पे ये देखें, इस तरह का इसका प्रिंट है, काफ़ी अच्छा प्रिंट था इसका और इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट कुर्ता है ये मैंने सिफारिश से लिया था, ठीक है। ये इसकी पूरी लुक है, ठीक है। और जी, इसका जो गला है वो कुछ इस किस्म का है, ठीक है। और जी, यहाँ पे इस तरह से इसके बटन्स लगे हुए हैं, ये खुल भी जाते हैं, ये देखें इस तरह से, ये ओपन शर्ट है, ठीक है, ये खुल जाते हैं और ये नीचे तक यहाँ तक इसके बटन्स हैं। अच्छा जी, तो ये बटन्स हैं और यहाँ पे पूरे यहाँ पे मोती लगे हुए हैं, नीचे तक इसके एंड तक मोती लगे हुए हैं और इस तरह की जो है वो लेस लगी हुई है, ठीक है। इस तरह की पूरी लेस लगी हुई है और ये खुल भी जाते हैं, ओपन शर्ट है, ठीक है। और इसके घेरे पे भी सेम मोती वैसे ही लगे हुए हैं, यहाँ से आ रहे हैं ऐसे सारे मोती, आगे भी और पीछे भी सेम घेरे पे लगे हुए हैं। और इसका जो प्रिंट है वो इस तरह का फ्लावर्स टाइप है और ये जो कलर है ये काफ़ी लाइट सा था, तो समर्स में लाइट कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनके बाजू की। तो इस तरह के सिंपल से इसके बाजू हैं और आगे से जो इसका डिज़ाइन है वो कुछ इस किस्म का है और इसके आगे इस किस्म के मोती लगे हुए हैं पूरे, ठीक है। दूसरी बाजू पे भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। अच्छा जी, बैग जो है वो उसकी बिल्कुल सिंपल है इस किस्म की। ये देखें, घेरा इसका सेम वैसा ही है जैसे आगे था और सेम वैसे ही इसकी बैक है। और ये काफ़ी लाइक डिसेंट कुर्ता था, इसलिए मैंने ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कुर्ता कौन सा लगा। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।